चालू हो जाएगी तो कोरोना हो जाएगा, सब यही परेशानी है। अब बस होने से, अब क्या बस ना होने से कितना परेशानी हो रहा है तो आप खुद समझ रहे हैं, लेकिन हम क्या बताएं। अब क्या चाहते हैं आप? बस चालू होना चाहिए, लेकिन सरकार तो बोल रही कोरोना बढ़ता है। कोरोना बढ़ रहा है तो उसके लिए बढ़ रहा है, हमारे लिए नहीं बढ़ रहा है, गरीबों के लिए। राजनीतिक कार्यक्रम हो सकते हैं, सामाजिक सम्मेलन हो सकते हैं, शादियां भी हो सकती है और बाजारों में लोगों की भीड़ बढ़ सकती है, लेकिन अंतर्राज्यीय सीमाओं पर बसों का संचालन नहीं हो सकता क्योंकि इससे कोरोना फैलता है। दरअसल ये तर्क हम नहीं दे रहे हैं बल्कि ये सरकार की गाइडलाइन का एक पहलू है। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद राज्य सरकार ने जरूर यात्री प्रतिबंधों को हटा दिया है, लेकिन इंटर स्टेट परिवहन की समस्या अब भी बरकरार है। सरकार की नई गाइडलाइंस में अभी तक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बीच यात्री बसों के संचालन को अनुमति प्रदान नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा नुकसान विभिन्न राज्यों में रोजी रोटी के लिए दौड़ भाग करने वाले प्रवासी नागरिकों और मजदूरों को उठाना पड़ रहा है। बस नहीं चल रही है, बस नहीं चल रही है, इस कारण से हम लोग यहाँ तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। कितना किराया ले रहे हैं ऑटो? यहाँ ऑटो वाले कम से कम हमको 50 रुपये बोल रहे हैं, वहाँ तो गोंदिया में कम से कम उनको 100 रुपये बोल रहे थे, लेकिन हम एडजस्टमेंट किए कि भाई दूसरे ऑटो वाले हम लोग को 50 रुपये बोल रहे हैं, 40 रुपये बोल रहे हैं, आप 100 रुपये बोल रहे हैं, इस कारण से हम देंगे नहीं, तो हम वही बात को बोल के 50 रुपये से यहाँ तक आए हैं और 50 रुपये दे करके यहाँ से फिर पैदल निकल रहे हैं। यह तस्वीरें मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य से जोड़ने वाले बालाघाट जिले के राज्य गांव बॉर्डर की है। यहां से महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है, जो कि इस क्षेत्र में रेलवे का सबसे बड़ा जंक्शन है। मध्य प्रदेश के सिवनी, मंडला और बालाघाट के अधिकांश प्रवासी मजदूर यहीं से होकर विभिन्न प्रांतों में काम करने रोजाना जाते हैं। यही वजह है कि राज्यगांव बॉर्डर पर हमेशा लोगों की आवाजाही बनी रहती है। लॉकडाउन 2.0 के बाद सरकार ने यात्री परिवहन की सभी सेवाएं पूरी तरह बंद कर दी थी। जैसे जैसे कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ी, सरकार ने यात्रियों को राहत देने कई चरणों में यात्रा प्रतिबंध हटा दिए, लेकिन इंटर स्टेट परिवहन को अब तक अनुमति नहीं दी, जिसका खामियाजा एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करने वाले मजदूरों को रोजाना भुगतना पड़ रहा है। कभी प्राइवेट वाहनों की लूट के तौर पर तो कभी अधिक किराया और मजबूरी में पैदल चलकर। कभी बंद है, कभी चालू है, नहीं रहता बोलते हैं, है? आज लोकल आज आ गए हम लोग, है नहीं रहता तो कैसे आते हैं बताओ। आप सब तरीके से अपने कह सकते हैं कि सरकार का गैर जिम्मेदाराना पूर्व रवैया है, जिससे कि देख सकते होंगे आपकी कितने दूर से 2 किलोमीटर से पब्लिक जो है महाराष्ट्र से यहाँ एमपी में आ रही है, अनवरत आ रही है, काफ़ी दिनों से आना जाना लगा हुआ है, लेकिन शासन ने एमपी महाराष्ट्र के परमिट बसों के जो है बंद करके रखा है, जिससे कि मध्य प्रदेश की बसें महाराष्ट्र में नहीं जा पा रही और महाराष्ट्र की बसें एमपी में नहीं आ रही, किंतु पब्लिक का आना जाना है, जिसका पूरी तरह जो फायदा है ऑटो वाले और प्राइवेट गाड़ियाँ वाले उठा रहे हैं, जिससे कि पब्लिक से 100-150 रुपये ले रहे हैं, और आप जैसे कि देख रहे होंगे सामने भी गाड़ियाँ लग करके भरती है, उधर भी गाड़ी भरती है, बीच में पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी के नाक के नीचे से जो है अवैध परिवहन बदस्तूर जारी है। कोरोना संक्रमण को लेकर दो राज्यों के बीच बंद किए गए यात्री परिवहन को अब तक अनुमति नहीं मिलना बस संचालकों के लिए भी नुकसानदायक कारोबार है, इसीलिए अधिकांश बस संचालक अपनी बसों को चलाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। इसे लेकर वे सरकार से लगातार महाराष्ट्र में बसें चलाने की अनुमति भी मांग रहे हैं, जिससे कि वे कोरोना संकट में हुए नुकसान की भरपाई कर सके। बसों जाने के लिए तकलीफ हो रही, बाकी पब्लिक है ना, ऑटो को रोकने की कोई ये नहीं है, यहाँ से आना जाना चालू है, कोई परेशानी नहीं। सरकार की इस नीति पर क्या कहेंगे? सरकार इसी वजह से ही नाकाम रही है बस, और कोई ये तकलीफ नहीं। कोरोना काल में अब आगे बस का संचालन पूरे मध्य प्रदेश में कर पाना संभव नहीं है। दूसरा, इंटर स्टेट जो बसें चल रही है जहाँ पे 19 मार्च से बसों का संचालन बंद है 2021 से, तो वहाँ पे हमारे परमिट लिए हुए हैं, वहाँ हमारा टैक्स जमा है, तो टैक्स पे रिबेट मिले, छूट करे, माफ़ होना चाहिए वो टैक्स हमारा, और अन्य स्टेट में
जैसे परिवहन चालू हो गया, सरकार को यदि लगता है कि महाराष्ट्र में परिवहन प्रारंभ हो तो हम उसका समर्थन करेंगे, क्योंकि कोरोना में ट्रेनें चालू हो रही है, ऑटो से मेरे कुछ बैरियर पे ऑटो से अवैध परिवहन भरपूर हो रहा है। तो जैसे हमारा लगा हुआ नागपुर है, गोंदिया है, आमगांव है, यहाँ बसों का संचालन होना चाहिए। दो राज्यों के मध्य भले ही बसों के संचालन की अनुमति नहीं हो, लेकिन इसका कोई असर भी दिखाई नहीं दे रहा है। प्राइवेट वाहन बड़ी संख्या में मजदूरों को पुलिस के नाक के नीचे ढोने का काम बखूबी कर रहे हैं। इन वाहनों में ना तो कोरोना गाइडलाइंस का पालन होता है और ना ही लोग इन नियमों को मानने तैयार है। ऑटो चालक जरूर इसके पीछे अपनी मजबूरी और मजदूरों की परेशानी दोनों को बयां कर रहे हैं। तो से आप लोग यात्री ढूंढते हैं, आप लोग को डर नहीं लगता कोरोना हो सर? डर किसको नहीं लगता, डर तो सबको लगता है, सरकार को डर लगता है तो हम ऑटो वाले, हमको क्यों नहीं डर? गवर्नमेंट सर्वेंट को डर लगता है, हमको क्यों नहीं लगता? जो पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ऑटो चल रही है, बसें चालू नहीं होना, क्या लगता है आपको? ये सरकार का प्रॉब्लम है सर, हमारा नहीं है, क्योंकि सरकार जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको बैठे बैठे पेमेंट मिल रही है, लेकिन हम लोग ऑटो वाले हैं, हमको ऑटो सरकार क्या मिल रही? तो हमको सेवा करना हमारा मेन कर्तव्य है, और जब तक कोरोना है हम लोगों की सेवा करेंगे। रजेगांव बॉर्डर पर मजदूरों को पैदल चलने की समस्या लगातार बनी हुई है। इसका कोई स्थायी समाधान भी उनके पास नहीं है, क्योंकि समाधान की डोर शासन प्रशासन के हाथ में है, लेकिन यहां पर तो प्रशासन भी कोरोना के नाम पर महज औपचारिकता ही निभा रहा है। बॉर्डर पर राजस्व और शिक्षा विभाग की टीम लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है, लेकिन इनकी जांच और परख करने वाला स्वास्थ्य अमला कहीं भी नज़र नहीं आता। ऐसे में सवाल यह उठता है कि केवल नाम और पता लिखने से कोरोना मरीज कैसे पहचाने जाएंगे? बाहर से महाराष्ट्र से आ रहे हैं, हैदराबाद नागपुर, इनकी रजिस्ट्री में एंट्री करना, कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं, के माध्यम से कैसे कोरोना को आइडेंटिफाई कर सकते हो आप लोग इससे? नहीं। अच्छा, इसके स्वास्थ्य विभाग की टीम लगाई होगी गवर्नमेंट ने। तो केवल लोगों को आइडेंटिफाई कर रहा है? अंतर्राज्यीय सीमाओं पर बसों का संचालन नहीं होने से भले ही सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन आम जनता जरूर परेशान है, क्योंकि उन्हें महंगाई के इस दौर में अधिक किराया चुकाकर बॉर्डर क्रॉस करना है, साथ में पैदल भी चलना है, लेकिन ये परेशानी केवल आम जनता और यात्री ही समझ सकते हैं, सरकार नहीं। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश बंजारी।